सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। मैं सबसे पहले फेडरेशन की ओर से जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस बात के लिए कि जो आंदोलन हमने ऐतिहासिक यहाँ छत्तीसगढ़ में खड़ा किया और जो आंदोलन यहाँ पर हुआ, उसमें आप लोगों की जो भूमिका रही, हम लोगों की समस्याओं को लेकर जिस तरह हमने हमको कवरेज दिया, उसके कारण आज जो है यहाँ पर प्रेस वार्ता यहाँ पर रखा गया है। इसमें हमारे बीच में उपस्थित है हमारे प्रदेश के वरिष्ठ, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही संवेदनशील मंत्री परमादरणीय रविंद्र चौबे जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे साथ हमारे फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता और एचआरए के लिए पूरे प्रदेश में 4 चरणों में आंदोलन किया। तीसरे चरण का जो आंदोलन हुआ वो पूरे 5 दिन पूरे प्रदेश के शासकीय कार्यालय बंद रहे, और जो जानकारी हमको मिलती है जो हमारे जो कर्मचारी नेता अलग अलग राज्यों में, उनके अनुसार कि ऐसा आंदोलन कभी उनको देखने को नहीं मिला जो छत्तीसगढ़ में हुआ। हमारे फेडरेशन के साथ में 105 संगठन जुड़े हुए हैं और अंतिम चरण का जो आंदोलन हुआ, जो 22 अगस्त से प्रारंभ हुआ अनिश्चितकालीन का, इसमें हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए हैं भाई युद्धेश्वर ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा जो है जनसंपर्क विभाग के जो पूरे अधिकारी, सभी इस आंदोलन में शामिल हुए और सब ने एकजुटता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अपने मौलिक अधिकार के लिए जिस तरह हमने संघर्ष किया वह आपके सामने है। कल जो है पूरे प्रदेश भर के जो है हमारे जो जिला संयोजक है, संभाग प्रभारी है, संभाग संयोजक है, हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं, सभी के साथ मेरी जो है कल रायपुर में बैठक हुई थी। लगभग 5 घंटे हम लोगों की मीटिंग हुई और अधिकतर जो जिला के जो हमारे जो संयोजक हैं, सब ने यही तय किया कि चूँकि यह जो है हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। साथ ही सभी ने मेरे नेतृत्व पर विश्वास किया, क्योंकि बहुत खून पसीना एक करके मैंने इस फेडरेशन को खड़ा किया है। सभी ने कहा नहीं, हमारे नेता हैं और आप जैसा निर्णय लेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मेरी जो है लगातार जो है आदरणीय रविंद्र चौबे जी मंत्री जी के साथ में हमारे फेडरेशन की लगातार संवाद हमारी हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मंत्री जी के आशीर्वाद से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मुख्य सचिव के साथ हमारी चर्चा हुई और हमने सुझाव दिया कि इन इन मुद्दों पर आप जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करिए। कल जो है मेरे सभी साथियों ने लगभग 300 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और सब ने कहा कि आप जैसा निर्णय लेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। हमने कहा कि चूंकि हमारा माध्यम जो है प्रदेश के यशस्वी मंत्री जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद हम कोर कमेटी का जो है बैठक रखेंगे। कल रात में हमारी मंत्री जी से बात हुई थी, मैंने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी और कोर कमेटी की बैठक में हमने तय किया है कि हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफ़ी चिंतित हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इस आंदोलन के कारण प्रदेश के आम जनता को काफ़ी असुविधा हुई। मैं प्रांतीय संयोजक होने के नाते मैं इस प्रदेश की जनता से क्षमा भी चाहता हूँ। साथ ही जो स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित हुए, ऐसे तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ा, लेकिन हमारे पास ये आंदोलन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन आज जो है सुखद दिन आया, कोर कमेटी का निर्णय के बाद आदरणीय हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो जिनका जो है फेडरेशन के साथ में एक अटूट रिश्ता रहा है,
2019 के बाद में लगातार हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से संपर्क में रहे और हमेशा हमारे बीच में कभी समाधीनता नहीं रही। इस प्रदेश के कर्मचारियों को यदि हमने कोरोना काल में हजारों कर्मचारी अधिकारी इस दुनिया से जो शहीद हो गए उनके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीलिंग का जो है सीलिंग को हटाइए, उन्होंने इसको मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था 10% का जो सीलिंग था उसे भी समाप्त किया और आज हमारे प्रदेश के हजारों कर्मचारी अधिकारी के बच्चे तृतीय श्रेणी पद पर अभी अनुकंपा नियुक्ति उनको मिली है। हमें गर्व है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराया, हमने उनका सम्मान भी किया यह भी आप सभी जानते हैं। और आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपील आया था आम जनता की समस्या को देखते हुए जो उन्होंने अपील की और लगातार मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि आम जनता और स्कूलों में पढ़ाई इन सब को देखते हुए आप वापस लौट जाइए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, उनका जो अपील है उसको हम स्वीकार हम करते हैं और हमारे कोर कमेटी के लिए के द्वारा जो लिया गया निर्णय है आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में हम जो है इस आंदोलन को तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करते हैं, इसलिए कि चूंकि अभी हम हमारे और सरकार के बीच में जो समझौता जो हुआ है इसका आदेश इसका क्रियान्वयन अभी होना है, लेकिन सरकार यदि हमें हमारी बातों को यदि गंभीरता से नहीं लेगी तो हमारा आगे जो है आंदोलन करने का रास्ता, यानी कि आपने जो मांग की थी वो मांग पूरी नहीं हुई अभी तक से, सरकार ने वो नहीं सुना है? नहीं नहीं, सरकार ने सुन लिया है, सरकार ने सभी हमारी जो बात है जो हमने सुझाव रखा था उसको स्वीकार कर लिया है और इसके बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री जी इसमें वक्तव्य दें। कोई क्वेश्चन मार दे? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल जी को और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अपील पर गौर करते हुए अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की विभिन्न मांगों पर लगातार चर्चा हम लोग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी के आग्रह पर आदरणीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है और लगभग अधिकांश मांगों में सहमति बनी हुई है। अब आज चूंकि आंदोलन का स्थगन हुआ है तो आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारियों के हितों में जो भी निर्णय सरकार की ओर से आवश्यक होगा हम लोग निर्णय लेंगे और इसी आश्वासन के उपरांत कमल जी ने आज अपना जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन था उसको स्थगन किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर ये जो आंदोलन स्थगन की घोषणा हुई है मैं कमल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आपने कहा कि अधिकांश मांगों पर थैंक यू। चलिए अब आप लोग अंदर बैठिएगा, मैं बाकी विषयों पर मैं चर्चा करूँगा। चलो आपको